वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास सिक्स इंग्लिश से एक पोएम आज हम लेके आए हैं वोकेशन आज हम करेंगे इसके एनसीआरटी सोल्यूशन और क्वेश्चन आंसर तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो so दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे क्वेश्चन नंबर वन देखिए हु इज द स्पीकर इन द पोएम जब आपने ये पोएम पढ़ी है तो ये जो स्पीकर है पोयम का वो कौन है वो है एक छोटा सा बच्चा जो कि स्कूल जाने वाला बच्चा है जो कि आपको यहां दिख रहा है हु आर द पीपल द स्पीकर मीट्स अब ये जो छोटा सा बच्चा है जो स्पीकर है पोयम का ये किन किन से मिलता है ये सबसे पहले देखता है एक हॉकर को जो कि चूड़ी बेचने का काम करते हैं ठीक है हॉकर कौन होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाके अपना सामान बेचते हैं तो सबसे पहले ये बैंगल सेलर से मिलते हैं फिर ये देखते हैं एक गार्डनर गार्डनर कौन होते हैं जो गार्डन की देखभाल करते हैं प्लांट्स में पानी डालते हैं उनको कटिंग करते हैं और लास्ट में ये रात में नोटिस करते हैं किसको वॉचमैन को वॉचमैन कौन होता है जब रात को आप लोग सो जाते हो तो ये देखे ये देखता है कि कोई चोर वगैरह तो नहीं आया गया कोई मतलब देखभाल करता है मतलब हर जगह से मतलब वॉच करता है ठीक है तो वॉट आर दे डूइंग अब हम इसका आंसर लिखेंगे इसी इमेज के बेस पे तो आंसर कैसे लिखोगे द स्पीकर ऑफ द पोएम इज अ स्कूल गोइंग चाइल्ड सबसे पहले इसने पूछा था ना हु इज द स्पीकर इन द पोएम तो पोएम में स्पीकर है स्कूल गोइंग चाइल्ड एक स्कूल जाने वाला बच्चा हु आर द पीपल द स्पीकर मीट किस किस से मिलता है ही मीट्स बैंगल सेलर ठीक है जो बेंगल सेलर से मिलता है जो कि क्या बेच रहा था बैंगल्स बेच रहा था सेलिंग बेंगल्स फिर मिलता है वो गार्डनर गार्डनर का काम क्या है टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स प्लांट्स की टेक केयर करना अगर आपके घर में भी प्लांट्स होंगे या आपके स्कूल में भी गार्डन होगा तो आपने देखा होगा स्कूल में भी ये गार्डनर भैया होते हैं जो प्लांट्स को पानी देते हैं फर्टिलाइजर्स ठीक है ये सब डालते हैं और रात में वो वॉचमैन को देखता है वॉचमैन का काम क्या है कीपिंग अ क्लोज वॉच इन द स्ट्रीट्स गली में क्या हरकत हो रही है कहीं चोर वगैरह तो नहीं आ रहे कहीं कुछ हो तो नहीं रहा उन पे तो इस तरह से आप ये आंसर लिख दोगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट विशेस डज द चाइल्ड इन द पोएम मेक ठीक है जो पोएम में जो बच्चा है उसकी क्या इच्छा है वाई डज द चाइल्ड वॉन्ट टू बी अकर अ गार्डनर और अ वॉचमैन अगर आपने ये पोयम को पढ़ा है तो जब वो हॉकर को देखता है तो वो हॉकर बनना चाहता है चूड़ी बेचने वाला जब वो गार्डनर को देखता है तो वो गार्डनर बनना चाहता है तो और जब वो वॉचमैन को देखना है तो वो वो बनना चाहता है तो आंसर कैसे लिखेंगे वो एक गार्डनर बनना चाहता है, है, है। क्योंकि उसको ऐसा लगता है ये लोग जो काम करते हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है और बड़ा मजा आता होगा इस सब काम को करने में नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग तरह से फ्रॉम द वे द चाइल्ड एनवीज हॉकर बच्चे को ना जलन होती है मतलब वो कि से हॉकर से गार्डनर से वॉचमैन से क्यों क्योंकि बच्चा तो छोटा है उसको स्कूल से होमवर्क मिलता होगा ठीक है वो काम करना पड़ता होगा ट्यूशन जाना पड़ता होगा तो उसको लगता है कि हॉकर की जिंदगी तो मस्त है भाई है ना गार्डनर की तो जिंदगी मस्त तो है वॉचमैन की जिंदगी तो मस्त है अपना काम जितना किया किया नहीं तो कोई बात नहीं है वी कैन गेस देयर आर मेनी थिंग्स अ चाइल्ड डू और मस्ट है अब ये कह रहा है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बच्चे को करनी चाहिए और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए तो आपसे लिस्ट बनवा रहा है कौन सी डूज एंड डोंट्स की कौन सी चीज बच्चों को करनी चाहिए बच्चे को और कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए तो हम इसका आंसर दें उससे पहले गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज यार एक लाइक कर देना आपके एक लाइक से एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है मैं तीन तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए वन टू I hope आपने वीडियो को कर दिया है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया अपना तो होमवर्क तो करना है रेग्यूलरली बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट हमेशा ईमानदार रहना और सच बोलना है क्या चीज है नहीं करना है लेट फॉर स्कूल स्कूल के लिए लेट नहीं होना ज्यादा जंक फूड नहीं खाना है ना जो आप पिज्जा वगैरह खाते हो खाना है लेकिन कम खाना बी रूड और मैनर्ड किसी के साथ रूडली बात नहीं करना और किसी से खराब बिहेवियर नहीं देखना है ना किसी को गाली वगैरह नहीं देनी इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे <laughs> गार्डनर गार्डनर कौन बनना चाहता है गर्ल एक बॉय एक मैन या न आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी सी या डी लिख देना कॉमेंट में मैं समझ जाऊंगा देखूंगा आप में से कितने बच्चे राइट आंसर देंगे सो आई होप मेरा छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में बाय बाय